काहे के मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान, तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छा।
का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल ट्रिब्यूट है ये, और इस 2020 में हमने बहुत से लोगों को खोया, बहुत से सितारों को खोया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को खोया, और उनमें से एक और हस्ती जिसने इस दुनिया को रुखसत कहा 11 अगस्त लगभग शाम के 5 बजे इंदौर में। और उसके बाद हम सबको ये पता चला कि हम सब के बहुत प्यारे, बहुत ही दुलारे और पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया में जिनके चाहने वाले लाखों करोड़ लोग हैं, राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और उन्होंने लगभग 40-45 साल तक खिदमत की, एंटरटेन किया अपनी उर्दू शायरी से, और बहुत कुछ उन्होंने दिया लोगों को। हिंदुस्तान के जगह जगह जाके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, सब कुछ किया। और एक ऐसा शायर जिसको पूरा देश, पूरी दुनिया चाहती है, पसंद करती है, सर आँखों पे रखते हैं, और जब वो आपसे दूर चला जाए, इतना दूर कि शायद कभी लौट के ना पाए, या यूँ कह लें कि अब उनकी जो यादें हैं सिर्फ वही हमारे पास हैं, उनकी जो आप यूँ कह लें कि रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो बातें हैं, बस वही हैं। एक जिंदा हस्ती, जिंदा हस्ती जो थी, जो एक आवाज़ थी, एक जो इंसानियत थी, शख्सियत थी, वो शायद अब हमारे बीच नहीं रही। बहरहाल वक्त है, रुकता नहीं है, सबके लिए होता है एक जैसा, जो आता है उसे जाना भी होता है ऐसा कहा जाता है, और उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं राहत इंदौरी साहब की, और क्या क्या था उनके बारे में, और कितना हम शायद इसे एक घंटे में कवर कर पाएंगे, बातें कर पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। कोशिश करेंगे कि जितना कर सकें उतना करें, और आप भी अपनी श्रद्धांजलि उनको दे सकते हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको पेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी रेडियो डॉन RADIOUDAAN। और इसके अलावा अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल आप इस शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर नॉर्मल कॉल या व्हाट्सअप कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप इसी नंबर को यूज़ करें और टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं हमें व्हाट्सअप के थ्रू। हालांकि कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे शो को पसंद करते हैं या जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके ऑडियो नोट्स आने लगे हैं, मेरे पास ऑडियो नोट्स आ भी चुके हैं, लगभग 2 नोट्स आ चुके हैं, तो वो भी हम आज आपको सुनवाएंगे। और उसके साथ साथ आप रेडियो उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन आपको मिलता है जहाँ पर आप अपनी बातें, अपने जो व्यूज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं, वहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, वो भी शो में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ फेसबुक पे दिल से दिल तक का अपना पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और राहत इंदौरी साहब के बारे में, उनके बारे में अगर आपके मन में कुछ है, कोई वाक्य याद आता है, कोई किस्सा याद आता है, कोई कहानी याद आती है, या उनकी कोई ख़ास बात जो आपको शायद छू गई हो, अंदर तक छू के चली गई हो, वो आप हमारे साथ, हमारे सुनने वालों तक शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मीडियम आपको बता दिया हमने, ये 2 मीडियम्स हैं, और क्या दे सकते हैं हम, शायद इतनी बड़ी शख्सियत को शायद एक ट्रिब्यूट, एक अपने दिल के भाव, अपनी फीलिंग्स ही उनको शायद दे सकते हैं यहाँ से। वही कोशिश करेंगे हम आज आपके, हम सब मिल के कि उनको एक श्रद्धांजलि दें, अपना प्यार उन तक पहुँचाने की कोशिश करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और कहते हैं कि वक्त के दरिया में ऐसे हीरे, जवाहरात, आफ्ताब बहुत ही कम होते हैं, तो ये उनमें से ये नुकसान है जो हमने खोया है, लेकिन जो भी है उसको फ़िलहाल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज हम आपको
बहुत सारे उनके सॉन्ग्स जो उन्होंने अलग अलग मूवीज में लिखे हैं वो गाने हम आपको सुनवाएंगे। पहला गाना भी हमने आपको उनकी मूवी का ही सुनवाया, 93 की मूवी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सर मूवी थी, मूवी का नाम सर, उसका गाना सुनवाया। तो आपको सारे आज गाने जो मिलने वाले हैं राहत इंदौरी साहब के लिखे हुए गाने आपको सुनने को मिलेंगे। कोई अलग गाना आज बिल्कुल नहीं सुनवा पाऊँगा और ये भी वादा नहीं कि शायद पूरे गाने सुनवा पाऊँ क्योंकि गाने बहुत सारे हैं और वक्त शायद उतना है ही नहीं हमारे पास। आपसे बातें भी बहुत करनी हैं, आपकी बातें भी सुननी हैं और फिर और बहुत कुछ। तो बहरहाल तैयार हो जाएं, क्या क्या शेयर करने वाले हैं। मैं आपको एक और प्यारा सा गाना सुनवा रहा हूं और गाने के बाद वापस आऊँगा आपके पास और फिर कुछ और बातें राहत साहब के बारे में। जब नजरें मिली चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली कर दिया मुझको ये क्या हो गया। पलकें झुकी पलकें उठी क्या कह दिया क्या सुना, thank you.
रिश्तों के नीले भंवर कुछ और गहरे हुए, तेरे मेरे साए हैं पानी पे ठहरे हुए। जब प्यार का मोती गिरा बनने लगा दायरा, छोर छोर जब चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींद भी उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट राहत इंदौरी साहब को हम यहाँ से दे रहे हैं। आज 11 अगस्त 2020 को हमने उनको खोया, या उन्होंने इस दुनिया को, इस जहाँ को अलविदा कहा, और उसके बाद जो एक जगह खाली हुई है, जो स्पेस बन गया है उनकी वजह जाने से, वो शायद दोबारा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी यादों को महसूस कर सकते हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा सुनाया उन सबको अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस उस एक शख्सियत से अब कभी रूबरू नहीं हो पाएंगे जैसे पहले हो सकते थे। राहत साहब को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मोहताज है ये शख्सियत की इनका उनके बारे में लोगों को बताया जाए। फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो शायद इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, जल्दी से आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू करेंगे अपने लिसनर्स के साथ जुड़ने का, अपने साथ जो हमको आप लोगों ने वॉइस नोट सेंड किए उनको प्ले करने का। थोड़ी सी जानकारी उन लोगों के लिए, उन लिसनर्स के लिए जिनको शायद उतना ना पता हो या उतना गौर ना का किया हो। कभी कहते हैं कि जब चीज़ हमारे पास होता है, सब कुछ हमारे पास होता है, तो हम इतना गौर नहीं करते। पता और उसकी अहमियत तब पता चलती है जब शायद वो हमारे पास ना हो। राहत इंदौरी यानी कि राहत कुरैशी इंदौर से हैं, इंदौरी इसलिए इनका नाम हो गया। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर MP में हुआ, जो कि इंडिया के स्टेट हैं। इनके जो इनके पिता थे उनका नाम रफतुल्लाह कुरैशी और मदर मकबूल उन निशा बेगम। और राहत के बारे में बताएं तो राहत अपने माता पिता की चौथी संतान थी, मतलब फोर्थ। इन्होंने 12th क्लास पास की इंदौर में ही, एक स्कूल है नूतन स्कूल इंदौर, उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास किया वो भी उर्दू में। और 1973 में इन्होंने ये इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद इन्होंने मास्टर की डिग्री की वो भी उर्दू लिटरेचर में की। 1975 में इसको कंप्लीट किया, और उसके बाद की PhD थी, और इससे पहले जो इनकी मास्टर्स थी वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में हुई MP। और इसके बाद PhD की बात आई, जब इनको PhD यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से अवार्डेड किया गया 1985 में होज यूनिवर्सिटी, ये भी MP की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से इनको PhD के से अवार्ड किया गया 1985 में। थीसिस इन्होंने जो लिखी थी वो, उसका टाइटल अगर आपको मैं बताऊं तो वो भी इसकी शायरी से जुड़ा हुआ आप समझ सकते हैं, उर्दू में और मुशायरा, तो ये इनकी जो थीसिस थी उसका टाइटल था। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में परफॉर्म किया, और कहते हैं कि जितने भी कवि सम्मेलन हो, मुशायरों हो, उन्होंने लगभग 40 से 45 साल उनकी सेवा की है। यूँ कहें कि उनकी परफॉर्मेंस लोग लगभग 40-45 सालों से खुद लगा लग जगहों पे देख रहे हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर सब जगह इनको लोग देखते हैं, सुनते थे, पसंद भी करते थे। उन्होंने लगभग हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया, और अगर देश के बाहर अगर उनकी ट्रैवलिंग की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया, और कई बार गए उसमें, चाहे फिर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, UAE हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सिंगापुर, मॉरिशस, कुवैत,
कतर, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ना जाने कितने देश जो इन्होंने जहाँ पे ये गए, इन्होंने मुशायरे पढ़े, कभी पार्टिसिपेट किया, लोगों को एंटरटेन किया। और जो एक उर्दू की जो अपनी खासियत है कि इतनी मीठी ज़ुबान की सबको अपनी तरफ खींच लेती है, सबको अपने पास बुला लेती है, उसका ही उन्होंने मुजाहरा किया और सब जगह अपने आप को एक बेहतरीन शायर के अंदाज में पेश किया। देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। सांसों के दरिया में कुलमुल सी होने लगी, चाहत को चाहत की शबनम भिगोने लगी। अब और क्या चाहे, अब और क्या देखे, देखा तुम्हें तो दिल से निकली हाय। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। चुना तुम्हें चुना, शीशे ने शीशे से टकरा के कुछ कह दिया। हे पल मुरादों के, ये पल है यादों के, अब मेरी जा रही
देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साथ। है देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए आए। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया, उनको याद करना एक महफिल को याद करना है, क्योंकि राहत इंदौरी साहब अपने आप में एक महफिल हुआ करते थे। और ये उनकी खासियत है कि उनकी उपस्थिति ही पूरे मुशायरे को चलाने के लिए काफ़ी है होती थी। उनमें ये काबिलियत थी कि वो पूरे मुशायरे को अकेले ही लूट लेते थे और उनको एक क्रांति का शायर कहा जाता है, रोमांस का शायर कहा जाता है। दो कंट्रोडक्टरी चीज़ें थीं, जहाँ एक तरफ रोमांटिक शायरी उनकी थी, वहीं दूसरी तरफ क्रांति की शायरी भी वो बहुत शिद्दत से करते थे। कुछ लोग राहत इंदौरी साहब को चालू शायर भी कहते हैं कि वो केवल मंच के पॉपुलर शायरों में से थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये जो लोकप्रिय अंदाज है वही उनको खास बनाता है। और उनकी शायरी की जो ख़ास बात है वो जहाँ एक तरफ अच्छी शायरी है वहीं दूसरी तरफ अच्छी अदायगी भी है। अपने शेर को किस तरह अदा करना है, किस तरह स्टेज पर पढ़ना है, वो राहत साहब से बेहतर कोई और नहीं जानता। वो बहुत सीधे और बहुत तल्ख अंदाज में अपनी बात कह देते हैं, यही कारण है कि उनको कुछ लोग जिहादी समर्थक शायर भी कहते हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं, एक उनका शेर का अंश, के सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये लहजा उनका एक खास तरह का जो उन्हें विशेष बनाता है, जो उन्हें खास बनाता है। बात वो यही कहना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ, सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग अपना योगदान देते हैं और सबको रहने का हक है, लेकिन उसको कहने का अंदाज उनका जुदा हो जाता है। तो इसलिए उनको लोग जो है चालू शायर कहते हैं, अच्छा शायर नहीं कहते हैं, लेकिन जनता की मकबूलियत ये बताती है कि वो कितने लोकप्रिय शायर थे। और मुझे लगता है कि किसी शायर की लोकप्रियता और जनमानस में उसका पैठ ही उसे विशेष बनाता है, उसे बड़ा बनाता है, और राहत इंदौरी साहब भी इसी से बड़े हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बात कहते हैं और बहुत ही मर्मस्पर्शी बात कहते हैं। जैसे एक उनका शेर कहते हैं वो, कि मेरे उजरे में आए हो, मेरे उजरे में आए हो, बैठो आसमां लाए हो, ले आओ जमी पर रख दो। कुछ पहली लाइन गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप उसका मजमून जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझिए, कि आसमां लाए हो, ले आओ जमी पर रख दो, और कहाँ जाओगे ढूंढने हमारे कातिल, अब कहाँ जाओगे ढूंढने हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। कितनी बड़ी बात है कि मतलब जिस तरीके से आप आए दिन सुनते हैं पुलिस कस्टडी में मौत की खबरें और झूठे इल्ज़ाम आयद करके उनसे बयान लिखवाने की बातें, तो इससे बेहतर शेर और नहीं हो सकता।
इसी चीज़ को एक और गज़लकार इस तरह कहते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक़ में फैसला देगा। राहत इंदौरी साहब इसी बात को एक अलग अंदाज से कहते हैं। उनके रोमांस का आलम यह है कि एक शेर का अंश देखिए, कितनी सिंपल और कितनी अच्छी तरह से वो बात कहते हैं कि उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर बंजर सब, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर बंजर सब। और कहते हैं कि वो जब से रूठे मुझसे सब रूठे रूठे हैं, तुम जब से रूठे मुझसे सब रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। तो राहत इंदौरी साहब एक अजीम शायर हैं और एक अजीम शख्सियत भी हैं, जो अपने शेर के माध्यम से चीज़ों को बहुत ढंग से रख देते थे, और उनका जाना निश्चित रूप से एक वैक्यूम क्रिएट करता है शायरी की दुनिया में और उर्दू अदब की दुनिया में। एक अंजुमन को लूटने वाला व्यक्ति हमारे बीच से रुखसत हो गया, और हम उनके बारे में अंत में यही कह सकते हैं कि राहत इंदौरी साहब भवानी प्रसाद मिश्र जी की उन पंक्तियों पर बिल्कुल खड़े उतरते हैं कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, और उसके बाद फिर हमसे बड़ा तू दिख। तो इस पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं राहत इंदौरी साहब, और मेरी बहुत ज़्यादा मैं उनके विषय में क्या कह सकता हूँ, जितना मैंने उन्हें सुना लगातार लाल किले से मैंने लाइव सुना उन्हें, और उनको सुनना अपने आप में सीखने के समान था। मैं तो खुद भी कविताएं लिखता हूँ तो बहुत कुछ मैंने राहत इंदौरी साहब से सीखा है, खासकर कविताओं की अदायगी कैसे की जाए, शेरों की अदायगी किस तरह की जाए, वो राहत इंदौरी साहब को सुनने से बेहतर आता है। तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ रेडियो उड़ान के माध्यम से, आप सबके माध्यम से। राहत साहब जहाँ भी रहे हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और राहत साहब जैसा शायर कभी कभी ही पैदा होता है, तो आगे भविष्य में हम इस तरह के और शायर आएं, राहत साहब ऊपर से बैठे बैठे उनको अपना आशीर्वाद देते रहें, दुआएं देते रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। खत लिखना हमें खत लिखना, से हो जाओ जब मजबूर तो हमको खत लिखना, प्यार होने लगे मशहूर तो हमको खत लिखना। खत लिखना, खत लिखना बाबा खत लिखना, खत लिखना।
पंछी हवाओं में संगीत खोले, जामुन के बाहों में जब मोर बोले, पंछी हवाओं में संगीत घोले, जामुन के बागों में जब मोर बोले, गांव में जब पके अंगूर तो हमको खत लिखना, पहचानते हो, हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं, हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है, और ये जो दीवार का सुराख है, दुनिया की साजिश है, मगर इसको हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर इसको हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, और ये रेडियो उड़ान पे प्रोग्राम है दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश, और आज स्पेशल ट्रिब्यूट राह रिंदौरी साहब को हम यहाँ से पेश कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी दिल की विशेष दिल की दुआएं उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रुखसत हुए 11 अगस्त 2020 को, उस 2020 के साल ने बहुत कुछ हमसे छीना, और उसमें से एक आफ्ताब और हमारे से दूर हुआ। राहत इंदौरी इंदौर से जुड़े हुए थे, नाम इसलिए राहत इंदौरी, वैसे राहत कुरैशी। उनका एक बहुत ही प्यारा सा शेर ये जो मुझे याद आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। और इससे पहले शैलेंद्र कवि शैलेंद्र शैल ने भी अपनी बातें, अपनी दिल की भावनाएं उन तक पहुंचाने की कोशिश की। मैसेज बड़ा था लेकिन बातें बहुत सारगर्भित थी, बातें ऐसी जो दिल को छू जाएं। और जितना आप जिनको आप समझते हैं, जिनको आप कदर करते हैं, जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जब उनके बारे में कोई ऐसी बात पता चलती है तो दिल को दुख होता है। और हम बहुत सारी बातें उनके बारे में करना चाहते हैं, लिमिट होती है, लेकिन फिर भी कई बार नहीं होता कि आप उतनी जो चीज़ें हैं उनको शायद रोक पाएँ, बता पाएँ, वैसा ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कवि शैल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, और अच्छा लगा कि आपने दिल खोल के अपनी बात रखी और अपनी दुआएँ, अपनी विशेष और जो कुछ आपने सीखा। कहते हैं जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप समझते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, और वैसा हम भी, क्योंकि जब
हम यहाँ से आपके साथ बात करते हैं, कुछ शोज करते हैं, राइट रेडियो पे आपके साथ आते हैं, तो हम भी इन सब शायर जो हैं उनसे सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं कैसी चीज़ें। और जो अदायगी की बात थी शैलेंद्र ने, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सी मूवीज़ में आपको बता रहा था कि इन्होंने बहुत सी मूवीज़ में गाने लिखे, अगर उन मूवीज़ की बात करें तो मैं तेरा आशिक एक मूवी थी, आशियाँ एक मूवी थी जिन्होंने इन्होंने गाने लिखे। मैंने आपको पहले बताया कि सारे मूवीज़ के गाने आज हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ एक से बढ़कर एक बेहतरीन जो गाने उनमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको सुनवा पाएँ, उसी में से कुछ गाने अभी तक हमने आपको सुनवाए। आशियाँ के बाद एक मूवी थी सर, सर के अलावा जन्म, खुददार, नाराज, मर्डर, मुन्ना भाई, MBBS, मिशन कश्मीर, मीनाक्षी, करीब, इश्क, इसके अलावा बेगम जान, खातक और ना जाने कितनी सारी मूवीज़ जो बड़ी बड़ी मूवीज़ थी और जो मुझे याद रही वो आपके साथ शेयर की। इसके अलावा राहत साहब ने कुछ किताबें भी लिखी और जो किताबें लिखी उनके नाम भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, कभी मौका मिले तो इनको आप पढ़ने की कोशिश करें या इनको ज़रूर पढ़ें। रुत, दो कदर और सही, मेरे बाद, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद और नाराज़, ये कुछ किताबें हैं उनकी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। राहत इंदौरी साहब 70 साल की आयु में या उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और उनकी शायरी मैं यहाँ ना हूँ या मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि मैं आपको ज़बरदस्ती समुद्र में से कुछ बूंदे अपने हिस्से की तरफ से ला के देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो शायरी है वो हर जगह पढ़ सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि हम अपनी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स उन तक पहुँचाएँ, कविताएँ, शायरी लगातार हम सुनते रहेंगे, आपको भी हम कोशिश करेंगे यहाँ से कुछ सुनवाएँ। उनकी एक जो शायरी थी 2020 की अगर बात करें, जब वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट हुआ तो उनकी एक कविता थी जो बड़ी फेमस हुई और वो खुद भी कहते थे कि वो 1960-70 में, क्योंकि उनका 1950 का जन्म था, तो ये नहीं कहते थे कि मैं 1960-70-80 के दशक का शायर हूँ, वो कहते हैं कि मैं 2010 का शायर हूँ, 2000 के बाद का, यानी कि जो अब की जनरेशन है, मैं उस दौर का शायर हूँ, उस वक्त का शायर हूँ जब लोग, जब नई जनरेशन है वो अपने आप को अलग अलग तरीके से व्यक्त करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है और बहुत कुछ वो बताती है। तो उस पर उन्होंने कविता लिखी और ये कविता जो है वायरल भी हुई, ट्विटर, फेसबुक सब जगह पे, अपने इंस्टाग्राम इसको कई जगह पे देखा। तो आपको वो कविता भी सुनवाते हैं, दिल खुश होगा आपका और मज़ा आएगा कविता को सुन के। कविता को सुने, इंजॉय करें और कुछ मन में है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारी आईडी स्काइप आईडी रेडियो डॉन RADIOUDN या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। सुनिए के बुलाती है मगर जाने का नहीं, 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 ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मियां कुशादा जर्फ होना चाहिए। हमारे बहुत से शायर सभी भाई हैं मेरे, बड़े फनकार हैं, बहुत से लोगों ने लफ्जों के उर्दू में
माए ने बताया कि इसका माने ये, इसके माने मेरी शायरी में कोशिश करता हूँ ऐसा कोई लफ्ज ना है जो आपको उसके माने बताना हो। आफ्ताब लखनवी साहब एक बड़े शायर थे, हमारे दोस्तों में थे, वो एक नज्म पढ़ते थे उसमें एक लफ्ज आता था खला, तो उसके माने वो बताते थे, देखिए खला के माने स्पेस होता है, जमीन और आसमान के बीच में जो खालीपन है उसे खला कहते हैं। तो मेरे यहाँ ऐसी खला जैसी कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन इत्तेफाक से अगर आ जाए तो वही समझना स्पेस। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं मियां, कुशादा जर्फ होना चाहिए, कुशादा जर्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं, कुशादा जर्फ होना चाहिए, कुशादा जर्फ होना चाहिए, कुशादा जर्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं। और वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं, वबा फैली हुई है हर तरफ। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद
हैं ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाएं। ओ ये होंठ ये पलकें ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाएं। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों हैं मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो गुड इवनिंग आदाब, मैं श्रेया मुंबई से दिल से दिल तक के लिए, और आज दिल से दिल तक में जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी जी के बारे में बात करनी है। और राहत इंदौरी नाम आते ही हमारे मन में कई खूबसूरत यादें मौजे मारने लगती हैं, और उनका वो अंदाज, उनका जो अंदाज़े बयान था वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हिंदुस्तान के कई अजीम शायरों में से एक शायर थे राहत इंदौरी साहब, जैसे कई शायर टर्न हुए लिरिसिस्ट में तो राहत साहब ने भी कई गाने लिखे हैं। आज वो गाने काफ़ी हद तक नरेश जी सुनाएंगे भी हमें उनके, लेकिन मैं आज उनके बॉलीवुड अंदाज के बारे में बात नहीं करूंगी, वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मैं उनके लाइव परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। और मैंने कई उनके परफॉर्मेंसेस सुने हैं, जैसे भोपाल में एक उन्होंने किया था और उसमें एक किस्सा उन्होंने बताया था, जैसे लाइव परफॉर्मेंस करते हैं शायद तो एक होता है ना, तो उस तरह का किस्सा जो मुझे बहुत मतलब पसंद आया था, और मैं बहुत हंसी थी उस बात पर। तो वो किस्सा यूँ था कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई जब परफॉर्म करते हैं तो शायर कहता है कि भाई अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा, और ये, और कुछ लोगों को जो श्रोताओं में बैठे होते हैं उनको आदत होती है कि भाई पूरा शेर सुनते भी नहीं है, और एक मतलब फर्स्ट लाइन की फर्स्ट वर्ड ही बोले होते तो वही वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह ऐसे करने लगते हैं। तो ऐसे ही मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कोई और शायर परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने वो किस्सा बताया था कि भाई किसी फेमस राइटर का नाम उन्होंने लिया था, मुझे याद नहीं अभी उनका नाम, तो वो कह रहे थे कि भाई उसमें ये था कि वो जब परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली तो बंदा कहने लगा सामने वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही मतलब वो शेर ही कम्प्लीट ना करने दे वो बंदा, और उसके बाद फिर वो जो शायर साहब थे जो परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने उनकी तरफ देखा और उनको पूछा मियाँ क्या तुम अल्लाह को इतनी ज़ोर से याद करते हो, इतनी ज़ोर से याद करते हो तुम अल्लाह को। तो उसने कहा कि देखो भाई ध्यान रखो कि तुम इतनी ज़ोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, और अगर अल्लाह ने तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया तो तुम्हारे
वो कहते हैं ना कि तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसी बात थी। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेंगे, या तो फिर जिसे हम एक टाइमिंग कहेंगे, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। लाइव शोज़ जिसने देखे हैं, वो देखे उनके मुशायरे और उनके कवि सम्मेलन वगैरह जो देखे, मतलब ज़्यादातर वो तो वो उर्दू पोएट थे, तो मुशायरे ही करते थे। तो वो एक बहुत एक अजीब सी मतलब एक एनर्जी थी, मतलब उनका ये था ना कि उनका जो व्यक्तित्व था वो क्रांतिकारी टाइप था, मतलब एकदम रिवोल्यूशनरी। और वैसे वो रूहानी थे, तो उन्होंने तो कई चीज़ों पर लिखा है, चाहे वो देश के विषय में। उनका तो वो शेर कितना फेमस है, वो बुलाते हैं लेकिन जाना नहीं है, और ये क्या हिंदुस्तान किसी के बाप का तो नहीं है ये जो है। और वो एक शेर था, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिखना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, ऐसा कुछ वो बहुत जोरों शोरों से वो बोलते थे। और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, वो तो बाप रे, जब वो परफॉर्म करते थे तो कहते हैं ना रूहें खड़े हो जाए, इस तरह का परफॉर्मेंस उनका हुआ करता था। और वैसे भी वो बाय प्रोफेशन प्रोफेसर थे, तो वो जो एक होती है ना अदायगी प्रोफेसर वाली, कि कुछ ना कुछ सीख देते हुए जाएं, और उस तरह का उनका एक वो था। तो आप कैसा भी आपका मूड हो, अगर आप उनको सुनेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। उनकी आवाज़ की बुलंदी और एनर्जी लेवल बहुत भारी था। अफसोस की बात यह है कि उन्हें कोविड हुआ, और बस एक ही दिन में मतलब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो हम सबको छोड़ के चले गए। और उन्होंने तो मतलब ट्वीट भी करा था, उन्होंने अपने कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि भी अपने ट्विटर हैंडल पे कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस बीमारी को हरा के लौटूंगा। तो ये 70 साल के इन एक जवान की कह सकते हैं आप भावना थी। तो लेकिन जो मंजूर होता है ऊपर वाले को वही होता है, और कोविड के वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक के वजह से उनकी मौत हो गई। और जैसे वो कहते हैं एक शेर था उनका कि हमारे बाद दुनिया दरबदर हो जाएगी, उसकी पहली लाइन याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन ऐसे ही कुछ शेर था वो। और भी कई उन्होंने किताबें लिखी, हालांकि मैं कोई किताब उनकी नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितने भी शेरों शायरियाँ सुनी हैं उससे तो बहुत ही मुतासिर हुई हूँ मुझे बहुत। और कंटेम्प्रेरी आप देखिए, उनके बॉलीवुड सॉन्ग्स भी देखिए ना, वो क्या आप घातक फिल्म का वो जो गाना है, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, और नींद चुराई मेरी किसने वो सनम, इश्क फिल्म का वो गाना। और मुन्ना भाई MBBS का गाना कौन भूलेगा भाई, वो तो कैसे है बोले तो एम बोले तो मतलब वो कैसे, मतलब एकदम टिपिकल मुंबईया लैंग्वेज में तो वो। और इंदौर की छाप तो उनमें थी ही, अपने मध्य प्रदेश के लिए उनके मन में बहुत प्रेम था,
और वो PhD थे उर्दू लिटरेचर में, और उन्होंने 16-17 साल तक पढ़ाया भी, और उसके बाद शायद 88-89 से वो फिर फुल टाइम लिरिसिस्ट और पोइट बन गए। और मैंने उनका साहित्य आज तक पर उनको सुना था, राहत इंदौरी साहब को, तो बुलाते हैं मगर जाना नहीं, उसके ऊपर वो एक उनका ये था शेर वो, और ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, ये तो मतलब भाई बहुत, जब भी वो पढ़ते तो ऐसे लगता था जैसे पूरा मतलब जो देशभक्ति का जज्बा होता है वो उनके रगों में आ जाता है, ऐसे लगता था। वो कुछ एक लाइन थी, क्या तुम्हारे मुंह में हमारी जुबान तो नहीं, ऐसा कुछ एक एक लाइन वगैरह याद आ रही है मुझे, पूरे पूरे शेर तो नहीं ये हैं, लेकिन हाँ अब लगता है कि उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। एक तो कोई ऐसे 3-4 किताबें मुझे पता है, जैसे रुत है और धूप बहुत है, चांद पागल है, और मेरे बाद, ऐसी कुछ किताबें हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि इस अजीम व शान शायर की आत्मा को शांति मिले, और जिस तरह उन्होंने यहाँ इस दुनिया में अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया, ऊपर वाले के दरबार में भी वो उसी तरह शान से रहें, और उन्हें जन्नत नसीब हो, वो तो होगी, और उनके परिवार को जो क्षति पहुंची है, सिर्फ परिवार को क्या, पूरे देश को क्षति पहुंची है, इतना अच्छा पोएट, इतना अच्छा शायर हम लोगों के बीच से निकल गया। इस कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है यार, खुदा से यही दुआ है कि अब बहुत हो चुका, और अब इस महामारी को कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए, रुक जाए, और हम सबको फिर अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में लौटने का मौका मिले, यही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। कहते हैं सबका अपना अंदाज़े बयां अलग होता है, सबका अपना अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग होता है, और कोई अपना दर्द कैसे बयां करता है और कोई कैसे, दर्द फीलिंग शायरी उर्दू सब कुछ एक दूसरे का है, और ये सब कुछ है राहत इंदौरी साहब का। इतनी सारी बातें, इतनी सारा कुछ, जो भी कुछ आपने यहाँ से सुना, चाहे वो उनके गाने हो, उनको जो श्रद्धांजलि है, उनके जो दुआएं हैं, उनके लिए जो फीलिंग है, चाहे वो हमारी एक लिस्नर श्रेया पादी मुंबई से उनकी हो या कवि शैलेंद्र शैल की, बहुत अलग है, और आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा, लोगों में खून का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन एक जो इश्क मोहब्बत और जो अपनेपन का जो रिश्ता होता है, शायद खून के रिश्ते भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं, और यही बात है जो आपको बताएगी कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनको चाहने वाले, इनको प्यार करने वाले कितना मिस कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे लगातार कहा कि एक सितारा और, एक आफताब और, एक कोहिनूर और चला गया हमारे बीच से, इस दौर ने, इस वर्ष ने, इस साल ने जो नुकसान हमें पहुँचाई है, शायद उनकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कि वक्त का चक्र है जो चलता है, और जब जिसकी बारी आती है तो उसकी बारी आती है, और आज किसकी और कल किसकी ये किसी को नहीं पता। बहरहाल उम्मीद है कि आज आपको ये बातें पसंद आई होंगी, बहुत वक्त हमारे पास नहीं है कि और बातें आपके साथ की जा सकें और कुछ आपके साथ शेयर किया जा सके, कहने को और सुनने को बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कहते हैं वक्त की अपनी एक लिमिट है, सीमा है, जिसके दायरे में हमें रहना होता है,
और वो जो लिमिट थी उसका जो एक्स्ट्रा टाइम था वो भी मैं ले चुका हूँ। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, सभी लिस्टर्स की तरफ से, राहत जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली को सब्र बख्शे खुदा और हिम्मत दे इस वक्त से आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ना ज़रूरी है। उनको भी जन्नत बख्शे अल्लाह ताला से, ऐसी ख्वाहिश, ऐसा रहम करम हो उन पे कि फिर दोबारा से वो हमारे हिंदुस्तान में आए। वो जो शुरू में मैंने आपको उनकी लाइन सुनाई थी वो अल्टीमेट है कि कितना प्यार है उन्हें हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानी होने में कितना गर्व है। तो बहरहाल आज का शो इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जब भी आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको हमारे YouTube चैनल पे देखें वीडियोस को, और जो भी हमने आज आपके साथ बातें शेयर की, तो बिल्कुल आप कमेंट्स के थ्रू हमारे YouTube वीडियो पे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको ये कैसा लगा और आप उनके बारे में और क्या शेयर करना चाहते हैं। वो बिल्कुल आप हमें हमारे YouTube के चैनल पे, यानी कि देसी दिन का जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से आप अपने कमेंट पोस्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनकी कुछ कविताएँ यहाँ से सुनाऊँ, एक और प्यारा सा गाना। अभी गाने बहुत सारे बाकी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सारे गाने, एक और बहुत प्यारा सा गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और उससे पहले एक गाना आपको सुनाया जाए, मैं आपसे विदा लूँगा चंद लाइनों के साथ, चंद पंक्तियाँ जो उन्होंने कही उसके साथ मैं विदा लूँगा। और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से आऊँगा एक नया शो लेके, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले चंद लाइनें या चंद अशार जो राहत साहब ने कहा कि मैं अपने फूल किस इलाके में ले आया, मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया, यहाँ के लोग तो तश्कर को भी गुलदान कहते हैं, मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया, यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं, जो चक्की चल रही है, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं, जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। आगे देखें कि जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और आखिरी कि और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, बस एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।
ने झूठों से कहा है। अच्छा,
देखिए मौसम एक जैसे हैं, हाँ मौसम चाहे कराची का हो चाहे दिल्ली का हो, झूठो नहीं 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 बहुत मुख्तलिफ है फैयाज, शरीफ लोग बैठे हैं मेरे सामने। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। एक शेर पढ़ता हूं और अल्लाह करे कि मुझे इत्तला देने की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर नहीं, गुलदस्ते पर फूल नहीं है, गुलदस्ते पर घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है भाई, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है। देखिए शेर देखिएगा, गुलदस्ते के अंदर परवेज एक शेर सुने, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे।